फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हेनरी फेवल का सिद्धांत, जो कि हम सेवन कर चुके हैं और सेवन अभी बाकी हैं। तो ठीक है, तो हम एट से स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो सेंटर में हो, एकदम केंद्र में सारी अथॉरिटी उसके पास हो, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जो किनारे पे हो, मतलब कि क्या होना चाहिए, इससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कंपनी में। ओके, फटाफट पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है फेवल का, उनका कहना है कि जो सुपीरियर हैं, जो टॉप लेवल के जो कैंडिडेट हैं कंपनी में, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट का जो जिसके हाथ में है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उस इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन उसे हाथ में रखनी है, न कि पूरी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं रखना है कि सब कुछ पावर पूरा अपने हाथ में ले लिया जाए, पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में ले लीजिए, और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की किसी उससे कुछ मतलब ही नहीं है, सबको काम बांट दिया है, सब अपने से करे, उसको कुछ मतलब नहीं है बस, ठीक है। तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं करना चाहिए और कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं करना चाहिए, दोनों ही हार्मफुल हैं कंपनी के लिए। एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। ओके, एक इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए टॉप अथॉरिटी के हाथों में, तो ये मानना है फेवल का, ठीक है। और उनका कहना है, वो सोचते हैं, ऐसा फील करते हैं कि जो सुपीरियर है, जो सबसे टॉप का है उसमें व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है उसे अपने हाथ में रखना चाहिए, और जो डेली के डेली डिसीजन लेने हैं या जिस डिसीजन का कुछ मतलब कम इम्पॉर्टेंस है, वो किसे सौंपना चाहिए, डेलीगेट मीन्स सौंप देना चाहिए सबॉर्डिनेट्स को, उसके एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब डेली के डेली वो छोटे मोटे डिसीजन में इन्वॉल्व रहेगा, तो अपने जो गोल है उसका, उस पर जो हाई गोल रखा है उसने, अपने इम्पॉर्टेंट काम वो नहीं कर पाएगा। देखिए, एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है जो कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उसे कैसे पूरा करना है, उसकी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, विस्तार कैसे हो बिज़नेस का, उसके आइडियाज़, उसके थॉट्स, ये सब किसके उसके हाथ पे रखना चाहिए, जो सुपीरियर है, ठीक है। और जो बचे हैं, जैसे कि जो परचेस करना है रॉ मटेरियल, और जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर लीव लेना है, तो वो सब उसका काम किसे करना चाहिए, जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, ये काम उनको सौंप देना चाहिए। इससे होगा क्या, पॉजिटिव इफेक्ट इस पे क्या आएगा, कि जो वर्क लोड है सुपीरियर पे वो कम आएगा, वो रिलैक्स रहेगा, इस अच्छे से वो क्विक डिसीजन ले पाएगा, अच्छा डिसीजन ले पाएगा, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी एनकरेज, उनकी उनको भी मतलब एनकरेज कर पाएगा और मोटिवेट कर पाएगा कि हाँ उनके भी हाथ में कुछ है। और उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, कि जो इसमें क्या होता है कि वर्कलोड बढ़ जाएगा सुपीरियर पे, अगर सेंट्रलाइजेशन वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर सेंटर में ज़्यादा देखने लगेगा, ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा कम्प्लीटली, तो वो उस पर वर्कलोड बढ़ जाएगा, जबकि अगर सब सबऑर्डिनेट जो हैं वो अगर डिसेंट्रलाइजेशन, वो अगर किसी काम पे ध्यान ही ना दे, तो ये वर्कलोड उस पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, और इम्पेशेंट, अगर वो जल्दबाजी में कोई अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिया सुपीरियर के द्वारा, तो मतलब जल्दबाजी में अगर ज़्यादा उस पर सेंट्रलाइजेशन, सब पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन उसी पे आ गया, जो बाकी के सबॉर्डिनेट्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है, तो वो कोई रॉन्ग डिसीजन भी ले सकता है। अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो जाते हैं, तो फिर जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी, उनका भी लॉस होने लगता है, उनको इनक्रेजमेंट ज़्यादा देने लगते हैं, तो फिर इसका मतलब है दोनों बैलेंस बना के चलना है। ओके, स्केलर चैन 9 पॉइंट है, ये एक फॉर्मल लाइन है, ठीक है, अथॉरिटी का, कि एक हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक में चलता है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो जो फेवल है उनका ओपिनियन है कि जो ये चैन है वो स्ट्रिक्ट मैनर में चलना चाहिए। इसका मतलब है कि जो कम्युनिकेशन है टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट में पर्सन है वो, और जो लोएस्ट में है उनका जो एक लाइन है, ठीक है, वो एक कम्युनिकेशन एक मैनर होना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट मैनर होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन हेयर इज़ दैट, यहाँ पे पोस्ट के जो हैं उसकी अनदेखी नहीं कर सकते कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसे मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, एक ये है, तो जो टॉप लेवल का है पर्सन, वो कैसे बात करेगा अपने लोएस्ट लोअर से, फिर वो नीचे बात करेगा, फिर उससे नीचे, अगर कोई पास करना है या कोई ऑर्डर देना है, तो अगर ये इसे ऑर्डर दे रहा है, तो फिर ये इसे देगा, ये इसे देगा, ये इसे देगा, ऐसे जाएगा ऑर्डर। ओके, यहाँ से जाएगा ऑर्डर, एक चैन होती है। और सपोज़ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई बात है, तो कम्युनिकेशन करना है इम्पॉर्टेंट, तो देखिए यहाँ से भी बात हो सकती है, इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये यहाँ से जाए फिर यहाँ से जाए, ऐसे नहीं, डायरेक्ट यहाँ से भी बात हो सकती है। जैसे सेल्स मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर या सेल्स कोई भी पर्सन है, बट वही मतलब एक लेवल पोस्ट का होना चाहिए, जो पोस्ट इसका है वही पोस्ट उसका भी होना चाहिए, तो ही बात होगी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक का ब्रिज, ये ब्रिज है। ओके, फेवल्स ब्रिज ये है।
और अगर सपोज़ इसे कोई रिक्वेस्ट करनी है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ये इससे रिक्वेस्ट करेगा, फिर ये इसके ऊपर करेगा, फिर इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा उसका लेटर, फिर ये उसको भेजेगा, फिर इसको, फिर ये डायरेक्ट ये उसको लेटर जाएगा। उसके बाद प्रोसेस, ये प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद ही उसका रिक्वेस्ट मतलब ये माना जाएगा कि हाँ उसे उस उसकी जो रिक्वेस्ट है वो मानी जाएगी या नहीं। देखिए नेक्स्ट 10 पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स एक सिक्वेंस होना चाहिए, हर चीज़ हर पर्सन एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, मैनर में होना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या है, एक राइट पर्सन शुड बी इंडक्टेड एट राइट जॉब, एक राइट जॉब में होनी चाहिए, और कोई भी चीज़ अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे होनी चाहिए। मतलब कोई पर्सन हो या कोई चीज़ हो उसे उसके राइट प्लेस पे होनी चाहिए, राइट जगह पे होनी चाहिए, ओके, राइट टाइम पे होनी चाहिए। तो फ्यूल क्या कहते हैं, जो इंटरप्राइज़ होता है, जो उद्यम होता है, उसमें दो प्रकार के मतलब मटेरियल होते हैं, जैसे कि सॉरी मींस ऑर्डर होते हैं, दो तरीके के ऑर्डर मटेरियल होते हैं, जैसे कि एक ऑर्डर होता है कि फिज़िकल रिसोर्सेज जो मतलब कि मशीन वगैरह हैं वो सब, और एक होती है ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानों को किस पोस्ट पे रखना है, उनका केबिन कहाँ होना चाहिए, उनका जो कार्य का स्थान है वो कहाँ रखना चाहिए, और जो मशीनें हैं उसकी कौन सी जगह है, कहाँ पर रखना है, फाइल्स वगैरह कहाँ रखनी है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर पर्सन के लिए एक एक प्लेस अपॉइंट होनी चाहिए, ठीक है, और जो फिज़िकल रिसोर्सेस है एक प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए, अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हर सामान अपनी अपनी जगह पे होगा, हर पर्सन अपनी अपनी जगह पे होगा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसको जो सामान चाहिए, जिस पर्सन से मिलना होगा, अगर कोई मटेरियल से मिलना मतलब किसी मशीन का यूज़ करना है तो वो फटाक से उस जगह पे जाएगा, अगर किसी पर्सन से काम है तो उस पर्सन की जगह पे जाएगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमने जो गैंग प्लैंक का पढ़ा वो है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे एक पर्सन है, वो एम्प्लॉई है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, तो उसे जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी इन केस, तो वो वहाँ पे जा सकता है और वहाँ पे उस चीज़ को उस मशीन से अपना काम कर सकता है। और अगर उसे किसी सुपरवाइज़र की ज़रूरत है तो वो फटाक से सुपरवाइज़र की जगह पर जाएगा, उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो जहाँ तक हो सके छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, मतलब एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में सामान होनी चाहिए और पर्सन होने चाहिए और चीज़ें भी एक एक जगह पे होनी चाहिए। इक्विटी नेक्स्ट पॉइंट है, मीन समानता, इक्वलिटी। इसका मतलब क्या है, जो मैनेजर है उसे क्या करना चाहिए, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ एक काइंड मतलब दयालुतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उसे अच्छे से रहना चाहिए, ताकि वो जो सबॉर्डिनेट्स जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डेडिकेशन के साथ लगन के साथ अब उस अपने काम से अटैचमेंट हो सके, ठीक है। सभी एम्प्लॉई को मतलब कैसे ट्रीट करना चाहिए, इक्वली एंड इम्पार्शियल, निष्पक्ष, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्यूल क्या कहते हैं कि ये प्रिंसिपल तभी होनी चाहिए, मतलब तब नहीं होनी चाहिए जब एक पर्सन तो बहुत अच्छा है काम करने में और एक पर्सन क्या है, शर्कर मीन्स कामचोर है वो, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा कर रहा है उसे अच्छी अच्छे से रिवॉर्ड किया जाएगा, जो शर्कर है उसे उसे कठोरता से मतलब दंड दिया जाएगा, या फिर उसे कुछ भी उसका इंसेंटिव वगैरह काटा जा सकता है, सैलरी में से कुछ काटा जा सकता है, उसे मतलब स्ट्रिक्टली बात किया जाएगा, उससे इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ओके, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं इक्वलिटी का। एग्जांपल के लिए देखिए, एक लेबर है जो उसने 10 यूनिट गुड्स एक दिन में कंप्लीट किए हैं, और दूसरा है जो उसका सुपरवाइज़र का रिलेटिव है, उसने 8 यूनिट उसने कंप्लीट किए हैं, दोनों का रिमुनरेशन मतलब दोनों की सैलरी समान है। लेकिन तो यहाँ पे जो सुपरवाइज़र है वो इक्वलिटी की उल्लंघन करता है, मतलब कि उसके अगेंस्ट जाता है, वारंट्स में उल्लंघन करना किसी चीज़ का, तो यहाँ पे वो रूल्स और जो इक्वलिटी है उसका उल्लंघन करता है। तो जबकि सेकंड लेबर क्या है कि जो जो 10 यूनिट का काम कर रहा है उससे कम सॉरी मींस जो कम काम कर रहा है उसे रिमुनरेशन कम करनी चाहिए, जो ज़्यादा कर रहा है उसे ज़्यादा होना चाहिए उसका सैलरी, और जो कम कर रहा है उसे कम देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देखिए फ्यूल के व्यू से देखें तो ये क्या है, बार बार चेंजेस एम्प्लॉयज़ का, ये क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए एब्सोल्युटली हार्मफुल होता है। तो इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है। तो यहाँ इसके अनुसार क्या होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टेन्योर मीन्स पीरियड जो उनका काम करने की अवधि है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं किया है फिर निकाल दिया, कुछ मतलब 2-4 महीने काम किया फिर निकाल दिया, ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक उनके काम में कंटिन्यूसली इफ़िशियंसी होनी चाहिए जिससे कि वो रुक सकें, मैनेजमेंट ऐसा हो कि जैसे बार बार जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बार बार निकलना ना पड़े, बार बार छोड़ना ना पड़े काम को।
उनकी ड्यूरेशन इतनी कम नहीं होनी चाहिए। ओके, टेन्योर मीन्स ड्यूरेशन। तो जो ये इम्प्लॉयज़ के कार्यकाल में जो उनकी ड्यूरेशन में जो इंस्टेबिलिटी है, जो बार बार छोड़ रहे हैं काम को, तो ये क्या है, मैनेजमेंट का ये पुअर मैनेजमेंट का रिजल्ट है कि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। इससे क्या होगा कि जो हाई रेट बढ़ेगा, लेबर टर्नओवर का हाई रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, फिर से रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। पता है इससे क्या होगा कि जो लॉस होगा कंपनी को। ओके, अब देखिए इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि जो वर्कर्स हैं उन्हें अगर एटमॉस्फियर अच्छा नहीं मिल रहा है कंपनी में, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वहाँ का कंपनी का एटमॉस्फियर अनहेल्दी है, सही नहीं है, तो इससे क्या होगा, जो इम्प्लॉई है वो ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे नहीं, ठीक है, वो कंपनी को जल्दी छोड़ देंगे, और इससे क्या होगा, ये हार्मफुल है कंपनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स द कैपेसिटी टू वर्क वाइल एक्सप्रेसिंग वन्स थॉट्स। इसका मतलब है कार्य करने की क्षमता, किसी की थॉट्स को जानना, एक्सप्रेस करना, ठीक है, कोई अपनी आइडिया किसी को व्यक्त कर रहा है, बता रहा है, तो उसको मतलब अप्लाई करना या ना अप्लाई करना ये मैनेजर का काम है, बट मैनेजर को उसके बारे में सोचना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फेवल, तो मैनेजर का क्या काम करना है, उन्हें इनकरेज करना, अगर कुछ फीलिंग वो अपना बता रहे हैं, कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना है एम्प्लॉय, तो उसे सुनना चाहिए। लेकिन अगर जो डिसीजन वो बता रहा है, डिसीजन लेने से पहले अगर वो कुछ आइडियाज़ दे रहा है मतलब एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजर को, तो उसको इस बात का ध्यान रखना है कि उसे जो जितनी उसकी अथॉरिटी है, ठीक है, और जो डिसिप्लिन है, उसके लिमिट में रह के ही, अंदर उसके लिमिट के अंदर ही उसे कोई डिसीजन देना है या बात करनी है, ठीक है, और वो कोई डिसीजन अपनी तभी दे सकता है जब मैनेजर है अपने सबॉर्डिनेट्स के थॉट्स को वेलकम करेगा कि हाँ ठीक है आप बताओ जो आपको बात करनी है, ठीक है, ऐसा करने से जब वो उसकी बात को सुनना चाहेगा, उसकी आइडियाज़ को मतलब लागू करना चाहेगा, तो फिर इससे क्या होगा, उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं यूज़फुल आइडियाज़ उसके दिमाग में आएगा, वो टाइम टू टाइम जब उसके दिमाग में कुछ आएगा अच्छी आइडिया, तो उनके उन्हें बताएगा, और धीरे धीरे क्या करेगा कि जब वो देखेगा हाँ मेरी भी बातों को माना जाता है, वैल्यू दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक इंटीग्रल पार्ट समझने लगा, अपने आप को इंपॉर्टेंट पार्ट समझ के वो कंपनी के लिए काम करेगा, ठीक है, अपना समझ के काम करेगा, तो ऐसे क्या होगा, बेनिफिट होगा कंपनी को। हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि जैसे एक सेल्समैन है, वो सजेस्ट करता है सेल्स मैनेजर को कि कुछ आइडियाज़ अपने कि एडवर्टाइजमेंट टेक्निक के लिए कुछ आइडियाज़ देता है, ठीक है, कुछ नई टेक्निक बताता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो यहाँ पे अगर सेल्स मैनेजर सेंड करता है, मतलब कि उन्हें इन्फॉर्म करता है या फिर ऐसे ही बता देता है फेस टू फेस कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, और उसकी बातों को इग्नोर किया जाता है और उसके सजेशन को भी नहीं माना जाता है, तो इससे क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो सेल्समैन है वो अपना अपमान समझेगा, इस एडमोनिस्ट मीन्स धिक्कारा जाएगा वो, ठीक है, और बेलिटेल मीन्स कि उसकी अनादर किया जा रहा है, उसकी इंसल्ट किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, वो फिर कभी भी कोई भी सजेशन इन फ्यूचर नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी, जो इसका इनिशिएटिव आइडियाज़ था, जो भी कुछ था, उसे दबा दिया गया, ठीक है, इसके लिए वो फिर कभी फ्यूचर में कभी ट्राई नहीं करेगा कुछ अपनी आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर उसके सजेशन को मान लिया गया, अच्छे से सुन लिया गया, अगर उसे इम्प्लीमेंट ना भी किया जाए तब भी, अगर अच्छे से सिर्फ सुन ही लिया जाए, इम्प्लीमेंट करना तो बात की बात है, लेकिन एक बार अच्छे से सुन लिया जाए और उसे इनकरेज किया जाए कि ठीक है इस बार तो हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट फ्यूचर में तुम जरूर कुछ सजेशन देना तो हम सोचेंगे ज़रूर, तो इससे वो क्या होगा कि इनकरेज होगा, ठीक है, कम से कम उसकी इंसल्ट तो नहीं हुई, उसकी बात तो अच्छे से सुनी गई, तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें थिंकिंग पावर और बढ़ेगी, और एम्प्लॉयज़ की और जो हाई पोस्ट पे हैं उनके एक कोऑपरेशन के साथ डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बनाया जाएगा, इंक्रीज इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉलेटिंग इफेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन से उनका अटैचमेंट बढ़ेगा। उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि मतलब नेगेटिव मीन्स कि अगर उसे बात को नहीं माना गया, अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसके इनिशिएटिव जो है आइडियाज़ उसको नहीं माना गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो थिंकिंग पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो सोचेंगे भी तो भी नहीं बताएंगे, तो धीरे धीरे वो सोचना भी बंद कर देंगे, तो मतलब ख़त्म ही हो जाएगी समझो।
एन एटमोसफियर ऑफ नॉन कॉपरेशन, तो ये जो एटमोसफियर है कंपनी का वो नॉन कॉपरेशन हो जाएगा, जो कंपनी के इम्प्लॉयज़ हैं और जो हाई अथॉरिटी है उनके बीच कोई कॉपरेशन नहीं रहेगा, ठीक है, उन्हें डिक्लाइन किया जाएगा, तो फिर इससे अटैचमेंट भी नहीं रहेगा उनका कंपनी के साथ। ये सारे उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्प्री डी कॉर्प्स, इसका मतलब क्या है? इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो मैनेजर है उससे हमेशा कंटिन्यूसली उसे एफर्ट करते रहना चाहिए कि जो टीम स्पिरिट है वो हमेशा सबॉर्डिनेट्स के साथ विकसित हो, डेवलप हो। इससे क्या होता है कि उनमें एकता की भावना होती है, बोलते हैं ना अनेकता में एकता, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वो चीज़ आती है, एक टीम बनता है, एक ग्रुप बनता है, और यही एक पावर होती है किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें मैनेजर को क्या करना चाहिए, जब भी वो किसी बात की बात करे तो उसे मैं वाली बात नहीं करनी चाहिए, मैं तुम वाली बात नहीं, इसके बदले में उसे वी, हमेशा वी यूज़ करना है कि हमें ये करना है, हमें इस ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना है, हमें मिल के ये काम करना है। तो कन्वर्सेशन के दौरान अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या मीटिंग के दौरान उसे इस तरीके से बात करनी चाहिए कि जैसे हम सब एक हैं, कंपनी के लिए हम सब एक हैं, ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है, या सिर्फ मैं ही इसका मालिक नहीं हूँ, या फिर मेरी सब कुछ अथॉरिटी मेरे हाथ में नहीं है, तुम लोगों की कंधे पे भी जिम्मेदारी है, वो सारी चीज़ें उसे सबको समझानी है। इसके लिए यहाँ पे वी यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहे हेनरी फेवल के सिद्धांत, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।